तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताने की जरूरत है कि बढ़ते समय के साथ हमारे फ्री फायर गेम में कितने सारे गन स्किन आ रहे हैं। मतलब आपने अगर आज एक गन स्किन खरीदा जो कि काफी मतलब ओपी वाला हो और आपके मतलब उस गन स्किन को खरीदते ही दूसरे मंथ ही या दूसरे वीक ही दूसरा गन स्किन आ जाता है और आपके गन स्किन को टक्कर देकर बीट करके उससे अच्छा डैमेज वाला आ जाता है, ठीक है, और फिर वो गन तबाही मचा। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसा गन स्किन नहीं बना जो AWM जितना मतलब 150 प्लस का डैमेज दे सके, ठीक है। तो AWM एक इकलौता गन स्किन है जो 150 का डैमेज देता है प्लस 99 प्लस का डैमेज M82 भी, ठीक है। तो ये दोनों आप मतलब चला सकते हो और आज मैं आपको इसके बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि आप इसको शॉर्ट रेंज में कैसे चला सकते। अब देखो यार, मैंने AWM को खुद से सीखा है, खुद से ये सारी चीज़ों को ट्राई किया है और फिर मैंने इस वाली वीडियो को खुद से बनाया। मतलब आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे, उसके कस्टमाइज वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब मैंने ये मतलब खुद से खेल के बनाया या किसी और से बनवाया, ठीक है, और दोनों चीज़ से आपको पता चल जाएगा। और ये देखो, ये मेरा कस्टमाइज वीडियो है, यहाँ पर है मेरा थर्ड फिंगर पे जंप बटन होता है, ठीक है, और यहाँ पर मतलब मैं वो गन ऑटो रिलोड वाला यूज़ नहीं करता, क्या बोलते उसको, क्विक रिलोड, वो यूज़ नहीं करता, ठीक है। और ये देखो, मैं मेन फायर बटन से फायर करूँगा और यहाँ पर जो है वो है मेरा लेफ्ट फायर बटन जिससे मैं कभी कभी ग्लूबॉल लगाने में यूज़ करता हूँ उसका, ठीक है, और यहाँ पर है मेरे ग्लूबॉल का बटन, ठीक है, मैं इन पांच चीज़ों का यूज़ करता। अब देखो गाइस, टिप नंबर वन में होता है AWM का एमिंग, बिना देखे एमिंग करना होता है। तो आपको क्या करना है, एमिंग सोच के चलना है राइट साइड के हेड और शोल्डर के मिडिल में, ठीक है। आप राइट साइड के हेड और शोल्डर के मिडिल में अगर सोचोगे या देखोगे तो वहीं पे आपका एमिंग जाता है ऑलवेज AWM का, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा सोच के चलना है और AWM को किस सेटिंग पे चलाना है। AWM को आपको होल्ड एंड फायर नाम का एक सेटिंग होता है जो कि आपको सेटिंग्स में मिलेगा, आपको होल्ड एंड फायर पे चलाना है। ये देखो राइट, थोड़ा सा राइट पे लगता है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा राइट अगर सोच के चलोगे तो आपका डेफिनेटली एम जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा एम थोड़ा सा मिस हुआ बट ये डिफ़ॉल्ट में वर्क कर जाता है। डिफ़ॉल्ट का जो दूसरा है वो डिफ़ॉल्ट में मैं बताऊँगा, ठीक है। मैंने दो तरीके से बनाया है, एक बनाया क्रोनो के साथ, दो कस्टम बनाया था, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में भी लगता है AWM, ये इसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें मैंने थोड़ा सा ड्रैग किया, ठीक है। आप AWM को थोड़ा सा ड्रैग भी होता है लेफ्ट राइट, मतलब नॉर्मल वेपन्स में जो होता है शॉटगन MP40 में उधर अप का ड्रैग होता है ऊपर से, लेकिन AWM में लेफ्ट और राइट का ड्रैग होता है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट या राइट स्कोप खोलने के बाद होल्ड करोगे ना, होल्ड एंड फायर बोले तो मतलब अगर आप फायर बटन को प्रेस करके रखोगे उस वक्त आपका स्कोप खुला रहेगा, ठीक है, तो उस वक्त आपको ड्रैग व्रैग कर लेना है। देखो इसमें भी थोड़ा सा राइट ड्रैग किया था मैंने, तो इस टाइप से आपको करना है। अब इसमें देखो, इसमें लगा और लगने के बाद मारा गया बंदा, ठीक है, तो आपको मतलब ड्रैग भी करना है, ड्रैग भी चलता है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि आपको क्लोज नहीं जाना है, इसमें क्लोज जाने की वजह से क्लोज नहीं जाना और मिस नहीं करना, आपको मतलब मिस नहीं करना है और क्लोज भी नहीं जाना है, आपको ग्लूबॉल मिस नहीं करना है और बंदे के ज़्यादा क्लोज नहीं जाना है, ठीक है। आप इस वाली क्लिप में देख सकते हो मैंने मारा और मैं बंदे के ज़्यादा क्लोज चला गया, वॉल नहीं लगाया, वॉल मतलब मिस कर गया और बंदे के ज़्यादा क्लोज चला गया, इस वजह से मैं इतना डैमेज खा गया। फिर मैंने 220 का डैमेज दिया बंदे को और आप देख सकते हो ऑलवेज राइट साइड पे जा रहा है एम, ठीक है, कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं जाता है AWM का एम, ऑलवेज राइट साइड पे आपको सोच के चलना है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ही क्लोज चला गया, फिर से खाया, ठीक है, और फिर से खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रिकवर किया और फिर मैं रश कर गया आलोक ऑन करके। ये आलोक से है, आपने नोटिस किया यहाँ पे मैंने क्रोनो हटा दिया, ये दूसरा कस्टम बनाया मैंने, क्योंकि क्रोनो वाले में आपने दो क्लिप स्टार्टिंग में देखा और एक क्लिप आपने एक और में देखा था, ठीक है, जो फैक्ट्री पे था, ठीक है, सॉरी मिल पे था। और यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं उस पर बंदे पे, सामने वाले बंदे पे पूरा प्रेशर डाल रहा हूँ ताकि उसे मौका ही ना मिले फायर करने का, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो वो फायर कर ही नहीं पा रहा, लेकिन मैं ज़्यादा क्लोज जा रहा हूँ, दैट्स वाई मेरा एम जा रहा है और मैं मिस किया और मारा गया, ठीक है, इसमें देख सकते हो। तो गाइस आप इस वाले क्लिप में अब देख सकते हो कि मैं मतलब ड्रैग भी करूँगा, ठीक है, एक मारा मैंने, ठीक है, और दो मिस करूँगा, ठीक है। अब इसमें देखो ड्रैग करूँगा, ठीक है, इसमें ड्रैग किया, ठीक है, लेफ्ट में ड्रैग किया तो लगा, ठीक है, तो आपका ड्रैग भी चलता है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट राइट ड्रैग चलता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो आपको लेफ्ट राइट करना है और बंदे के पास, और कभी भी अगर आप AWM सिंगल AWM चला रखा है मैंने, और आप देख सकते हो मैं ना ही स्किन का यूज़ कर रहा हूँ। अब इस वाले क्लिप में मैंने बंदे को बोला डबल वेक्टर चलाने को, ठीक है, कि डबल वेक्टर चला भाई तू, फिर मैं देख लेता हूँ तेरे को, ठीक है। इसमें नो स्किन है, आलोक है, ठीक है, नो क्रोनो और स्किन मैंने है ओम का, और उसको डबल वेक्टर चलाने को मैंने बोला है। तो देखो उसने मतलब दिया, लेकिन आपको टाइमिंग का भी वेट करना है। थर्ड होता है टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग का वेट करना है कि किस टाइमिंग पे आपको मार रहे हैं, ठीक है। आप वो डबल वेक्टर चलाते जाएगा और आप उसको मारने जाओगे तब तो वो मार देगा, तो टाइमिंग भी देखना है कि किस वक्त मारना है, और ये मैंने मार। तो गाइस अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो 3-4 मैंने टिप्स दिए हैं, आपको इन 4 टिप्स जो इसेंशियल थिंग्स थे मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको इन 4-5 चीज़ों का यूज़ करके, 3-4 चीज़ों का यूज़ करके आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं AWM का शॉर्ट रेंज का मॉन्टेज बना के लाऊं, तो आप बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। सिर्फ AWM का मॉन्टेज होगा जिसमें नो क्रोनो, अगर आप चाहो तो जैसा बोलते हो, ठीक है, और आप उस पर डिटेल वीडियो मैं बताऊंगा, ठीक है, विदाउट वॉइस ओवर सिर्फ मॉन्टेज रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, 500 लाइक का टारगेट रखा है हमने, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको।